साल 2001 में आई कभी खुशी कभी गम ने अपने नाम कई रिकॉर्ड किए थे। फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, जया बच्चन, करीना कपूर खान और काजोल ने अहम किरदार निभाए थे। इतना ही नहीं, फिल्म में कई चाइल्ड आर्टिस्ट भी नजर आए थे। आज हम आपको ऋतिक रोशन के बचपन का किरदार निभाने वाले लड्डू के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि फिल्म में रोहन लड्डू का किरदार निभाने वाले गोलू मोलू से वो चाइल्ड आर्टिस्ट अब काफी बदल चुके हैं। इस किरदार को निभाने वाले एक्टर का नाम कविश मजूमदार है। फिल्म को रिलीज हुए 19 साल का लंबा वक्त बीत गया है और इस दौरान कविश काफी बदल चुके हैं। पूरी फिल्म में शाहरुख खान उनका मजाक उड़ाते नजर आए थे। फिल्म में लड्डू और करीना कपूर के बचपन के किरदार पूजा के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक भी सभी का दिल जीतने में कामयाब रही थी। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों को कई सालों तक ऐसा लगता था कि लड्डू का किरदार निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि तन्मय भट्ट हैं। दोनों के लुक को काफी कंपेयर किया जाता था। काफी साल बाद ये कन्फ्यूजन दूर हुआ था। कभी खुशी कभी गम में रोहन या कहें लड्डू के किरदार से कविश मजूमदार को खूब प्यार मिला था। सभी को लगने लगा था कि कभी आने वाले वक्त में वो नजर आएंगे, लेकिन वो काफी साल तक इंडस्ट्री से गायब रहे। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तो उन्होंने किसी और फिल्म में काम नहीं किया। कुछ साल पहले कविश को वरुण धवन की फिल्म मैं तेरा हीरो में देखा गया था। इसके अलावा रितेश देशमुख के साथ फिल्म बैंक चोर में भी कविश नजर आए थे। इमरान खान और श्रुति हसन की फिल्म लक में सोहम शाह के साथ कविश ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया था। गोरी तेरे प्यार में के साथ भी कविश जुड़े रहे थे। इतने सालों में कविश का लुक पूरी तरह से बदल चुका है। चबी दिखने वाले कविश अब बिल्कुल फिट और हैंडसम दिखते हैं और सभी के लिए फिटनेस की मिसाल पेश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।